हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम आप लोगों से शेयर करते हैं इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड अनबायस्ड रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आप ही के चूज किए हुए एक टॉपिक के बारे में। आप लोगों के काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को चलाना चाहते हैं इन्वर्टर के ऊपर, सो हम कौन से इन्वर्टर को बाय करें। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और आप चलाना चाहते हैं उसे इन्वर्टर के ऊपर एट द टाइम ऑफ पावर कट, तो आपको कौन सा इन्वर्टर बाय करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड वाला बटन मिल रहा है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि जब कोई हम न्यू वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। सो बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा इन्वर्टर बाय करना चाहिए फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को रन करने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपको जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कितने वॉटेज कंज्यूम करता है, मींस कितना कंजम्पशन है उसका, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसका मॉडल नंबर को आपने नोट करना है और गूगल पर जाकर सर्च करना है या फिर जो यूजर मैनुअल आपको उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ मिली है उसमें चेक करना है या फिर कोई स्टीकर जो आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर पेस्ट है उसके ऊपर अगर कौन सा कंजम्पशन लिखी हुई है तो वो आपको चेक करनी है। तो जब आप चेक कर लेंगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कितना कंजम्पशन उसको चाहिए इन्वर्टर से रन करने के लिए। अब जब आप एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कंजम्पशन जान पाएंगे उसके बाद ही आप एक इन्वर्टर को बाय कर पाएंगे। अगर आपको वो यूज़र मैनुअल में नहीं मिलता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप जैसे ही आपको कंजम्पशन मिल जाती है कि कितना आपका वो कंज्यूम करता है उसके बाद आप इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की वो कितनी है। अब बात करते हैं इन्वर्टर टाइप की। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सारे ही इन्वर्टर, सो इसलिए मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रन करना चाहते हैं तो आप एक साइन वेव इन्वर्टर को ही बाय करें। अब उसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं उनका जो चेंज ओवर टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इससे ये होगा जो इंटरप्शन है बीच में वो नहीं आएगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होगी इन्वर्टर के ऊपर एज इट इज़ वो ऑन हो जाएगा, चेंज ओवर हो जाएगा, काफी मिनिमल टाइम के अंदर वो चेंज हो जाता है विद इन नैनो सेकंड्स। सो इसीलिए आप एक साइन वेव इन्वर्टर को बाय करें। दूसरी चीज, साइन वेव इन्वर्टर के अंदर जो आप अप्लायंसेस रन करते हैं उनके अंदर कोई भी हमिंग साउंड नहीं रहती है, वो साइलेंटली रन करते हैं। मीन्स जैसे आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नॉर्मल मेन्स के ऊपर वर्क कर रहा है वैसे ही वो वर्क करेगा आपके इन्वर्टर के ऊपर भी। तो ये तो हो गई अब आपके इन्वर्टर टाइप की बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 275 वॉट का है, काफ़ी सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं रेंजेस फ्रॉम 275 वॉट से लेके 2000 वॉट तक भी आते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितने लीटर्स और कितना ऑक्सीजन वो जनरेट करते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका 275 वॉट का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जिसका कंजम्पशन 275 वॉट का है, तो आपको जो इन्वर्टर चूज करना चाहिए वो 650 वॉट अगर आप चूज करेंगे तो वो आपको साइन वेव में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि या तो आप 1050 लुमिनस का साइन वेव जो कि इको वोल्ट के नाम से आता है आप वो उसको चूज कर सकते हैं, या फिर माइक्रोटेक का आप 1175, 1275 या फिर 875 भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब जो ल्यूमिनस की रेंजेस हैं उसके अंदर आपको जो साइन वेव है वो 850 से ही मिल जाएगा, आप 850 भी बाय कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा एक्सीड बाय करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने घर का भी लोड चला पाएंगे। 275 वॉट तो आपका कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, आप 2-3 फैंस भी चलाएंगे, 2-3 ट्यूबलाइट्स भी चलाएंगे, तो उस हिसाब से आपका जो लमसम बैठेगा 1050 ल्यूमिनस का बैठेगा एक फिट एग्जांपल, एंड जो आपका माइक्रोटेक के अंदर बैठेगा वो 1075 बैठेगा जो कि आपका साइन वेव के अंदर आता है 24/7 माइक्रोटेक के अंदर आता है HP मॉडल, वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर मेरलिन आता है 1250 में आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, आपका घर का लोड भी चल जाएगा, साथ ही जो आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मेन मोटिव था चलाने का आप वो भी उसको चला सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए टिप और एक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते थे। काफ़ी सारे आप लोगों के कॉमेंट्स आ चुके थे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चलाने और इस टाइम काफी सारी जो नीड है लोगों की वो ये भी है जिनके घर में थोड़ा सा अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं वहां पर उनको थोड़ा सा नीड होती है, और कोविड के टाइम पर काफी ज्यादा इसका जो नीड है वो रहती है। सो
होप करता हूँ कि आप लोगों की जो नीड थी इन्फॉर्मेशन जानने की और कौन सा जो आपको इन्वर्टर बाय करना चाहिए आप लोगों को समझ आ गया होगा और एक बेस्ट इन्वर्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने फेसबुक फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि उन लोगों की भी नीड हो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को चलाने के लिए, तो वो भी उन लोगों की फुलफिल हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, वीडियो को जो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।